गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। और उठ तो मैं 2 बजे की रही हूँ, पर लौटी रही क्योंकि 3:30 बजे का अलार्म बज रखा था, तब मैं सोची कि 3:30 बजे उठूँगी। तो 3:30 बज गए हैं, मतलब बज लिए हैं और मैं उठ ली हूँ। ईब 4:09 हो रहे हैं और मैंने कई काम निपटा दिए हैं। नहीं, अभी मेरी गला उठ ली है, मैंने चाय बना ली है पीनती और ले जानती धर ली है और चून भी भेज दिया है और नया ना काटे हैं वो छिले हैं आलू और तेल मैंने रख दिया है गरम होना। हाय नया, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नया ना आलू छील लिए हैं तो चाय बन गई है। एक बार चाय और लेवा ले जाने। आटा लगा कर रख दिया है, पूरी बनेंगी गाइस। और पूरी के आटे में डाल लिया है मैंने मेथी और जीरा। एक बार इसने ढक देने हैं, थोड़ी चाय बन गई है और यार रख दी है ले जानते ही के छानना उड़े पाओगा। रख दिया हमने, इतना तेल गर्म होगा इतना हम चाय पी लेंगे और सब ने उठा भी लेंगे, है ना। रुक जा ले ये, हाँ ये लिया जा, आज इसमें ले आऊँगा। तो गाइस एक बार चाय के साथ सब ने उठा दे, सारे सोन लग रहे हैं सब। एक बार उठा दूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, 4 बज गए, उठो गाइस। पूरी बनन लाग रही है और अन्नी उतार लाग रहा, अन्नी बनन लाग रहा पूरी और सब्जी मन छोक दी है और चाय भी बन दी और इसमें डल जाएगी अब थर्मस में। तो गाइस बैग दर आए हैं, रेडी हो लिए हैं, बाजन लाग रहे हैं घरा, कोई वीडियो नहीं बना पाए उसके बाद। सारा सामान सब कुछ ले आए हैं हम, तो चलिए चलते हैं क्योंकि हमने बस में जाना है। बस उतारेगी वहीं पे, कुछ ले कर तो जा नहीं सकते क्योंकि फिर वापस फोन लेगा होगा। तो चलो चलते हैं, करवाते हैं आपको भी रेल का सफ़र। तो गाइस हम बैग धरे बैठे हैं, वेट करन लाग रहे हैं बस का। देखो कितना सारा सामान हो गया, मैं तो बैठ गई, मेरे तो पाँ दुख लाग जा, मेरे तो कति गिले बाल हो गए, पानी भी पड़ गया। हेलो मनु, हेलो आर्यन और मम्मी और भी आ ली हैं। तो चलिए मिलते हैं, फिर जी वेट करन लग रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये इतना सारा सामान पापा बेटा उठाएंगे। आर यू रेडी? सब बैठ लिए हैं बस में सारे, अभिषेक पीछे है, सूरज भी निकल गया है। चल पड़े हैं सारे बैग ठाक है, अन्नी ले रहा है, ऋतिका, सोमवीर जी। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन पे। और ना गणे सारे आ रही हैं, बैठ गए हैं वेटिंग रूम में, वेट करने लग रहे हैं सारे। और आज मेरी मम्मी की हैप्पी एनिवर्सरी है, पापा की भी। हमारी रेल आ गई है और हम सब चल रहे हैं। हेलो दादी, बाबा को ना लगते हैं सारे। चिट्टा पम बैठ गए हैं सारे। मानो तो लोट भी गया, थक गया। सो जा, अरे तेरा यो बैग नहीं उतरा है। नहीं आई ना, फौजी बना दिया पिट्ठू टंगिया रहा सारी आन। यो तो तार ताए ना आई ना कती। दादी रही नानी, ओ नानी नानी, सही कह। हेलो बैठ गई, खाना लेना नानी, खाना लेना।
नानी का खाने का बैग हम कब जा रही है मम्मी रोटी गाल गाल देन लग रही सब्जी लेट गिरी थी कुछ ऊपर सो रहे हैं बैठ जाए खाया ही रोटी चलो हाँ के पहाड़ शुरू हो गए हैं अलवरान न हो रहा सारे आगे ना तो और भी ऊंचे ऊंचे दिखा रहे हरियाली हड़े भी उतरले मुसीब दोपहर की नींद पूरी हो चुकी है उतर लो अब सुता हुआ नीचे पापा कच्चा दिल लग रहा है ऊपर हम तो ऊपर आ लौटे और ना तीन जगह बट रहे हैं एक जगह अभिषेक और एक जगह अमर एक जगह मम्मी और सोमवीर जी भी ये लौट रहे बैठे हैं ये इनकी सीट है अंधेरे में बैठे है कति अन्य ऊपर गया पहाड़ कति बढ़िया लग है निशा नु कहे क्यूकर बने होंगे ताइए क्यूकर बने कर पहाड़ हाँ देख कितने बढ़िया लग है ना रियल में तो बहुत बढ़िया लग है फोन में इतने कैप्चर ना हो रहे देख कित टावर मां टावर की तो हमारा रेल का सफर भी सारा है मजे आए सो मिली है खा भी लिया
अंदर सारे बैग रख दिए हैं, ऊपर उठा कर नीचे तैयारी तो हम सारे रेडी होकर बैठ गए हैं। क्या था डर रही थी, फिर कती सोए गई हो गए रेडी सारे उतरने के लिए। वहीं पे आखिरी वहीं उतरेगी, रुकेगी 10 मिनट, रुकेगी ठीक है 10 मिनट वहाँ उतर जाएंगे सब। 10 मिनट में तब रेल खाली कर दे सारी। कितनी लाग गई है क्योंकि गाड़ी उतरेगी, सब उतरेंगे मतलब यार बहुत सारे गाड़ी उतरेगी कहूँ। मामू उतरेंगे, मान उतर गया है गाइस हमारा। चलो चलो आ जाए, आ जाओ ताई आ जाओ, कित का जाओ होए। ठीक है ठीक है, चलो चलो वो मतलब क्रॉस करना है पटरी और उसके बाद फिर बस मिलेगी वहीं पे, तो उसमें जाएंगे। कैसा रहा सफर? 12 घंटे में पहुंचे हैं, पूरे 12 घंटे में करेक्ट टाइम पर थी ना। तो चलिए गाइज मैं ब्लॉग को ये करती हूँ यहीं पर समाप्त, क्योंकि बाकी का ब्लॉग आगे से शुरू करूंगी। बाय, गुड नाइट।